बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंचे हैं, दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं काहिरा। मिस्र के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ गोलमेज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंचे हैं, दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मिस्र के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी गोलमेज बैठक भी करेंगे काहिरा में। और इस वक्त ग्वालियर से बड़ी खबर है, रथ यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने भगवान जगन्नाथ की पूजन आरती भी की है। सीएम ने रथ के सामने झाड़ू लगाकर रथ को खींचा है। अचलेश्वर से शुरू हुई रथ यात्रा में सीएम ने रथ खींचा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, रथ यात्रा में शामिल हुए ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की पूजन आरती भी की। साथ ही सीएम ने रथ के सामने झाड़ू लगाकर रथ को भी खींचा है। अचलेश्वर से रथ यात्रा शुरू हुई थी जहां से सीएम ने रथ खींचा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर दुर्ग से, गृहमंत्री अमित शाह की सभा पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सभा में मुश्किल से 15,000 की भीड़ रही होगी, बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी भीड़ नहीं जुटा पा रही, लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, यह आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास न किसान है, न जवान है और न ही आदिवासी, फिर कैसे जीतेंगे दुर्ग संभाग, सवाल भी सीएम भूपेश बघेल ने दागा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी 15,000 मैं अधिकतम उतना ही रहा होगा, उससे अधिक भीड़ नहीं थी। अब पूरी ताकत लगा दी, इसका मतलब ये है कि भीड़ जुटाने में भी पसीना आ रहा है, क्योंकि लोग महंगाई से बेरोजगारी से त्रस्त हैं और केंद्र सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, खाद की कीमत, अब खेती किसानी के दिन है, महंगाई चरम पे है, खेती लागत आधी हो गई, जबकि आय दुगुने करने की बात कही थी वो आधा हो गया, और ये ट्रेनें जो चलती थी वो बंद हो गया, कितने ट्रेनें बंद हो गया। तो इससे आम जनता इसे परेशान है और इसके कारण से इसके में भीड़ नहीं। ये तो राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के विचार होंगे और उसमें विचार विमर्श होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि 2024 के चुनाव के बाद ये बहुमत आती है तो राहुल जी देखिए, न उसके साथ किसान है, न उसके साथ मजदूर है, न उसके साथ व्यापारी है, न उसके साथ नौजवान है, न उसके साथ अनुसूचित जाति है, न जनजाति है, तो कहाँ से 20 सीट आएगी। अभी देख, पहले 15 सीट जीते थे, 14 हो गया, अब 13 रह गए। और रायपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर वो बोले हैं, फोटो सेशन के सिवाय कुछ नहीं, बिहार में लालू जी उसके मुख्य किरदार हैं। राहुल गांधी को सलाह दे रहे थे शादी करने की, आजकल वो कुंवारों की शादी करवा रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल फोटो सेशन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, डरे और सहमे हुए लोग हैं। फोटो सेशन के लिए कई दलों का थर्ड पार्टी बना है, लालू जी उसके मुख्य किरदार हैं, जो लिट्टी दिखा रहे थे, लिट्टी चोखा, जो राहुल गांधी को सलाह दे रहे थे शादी करने के लिए। मेरा मानना है ये साइकोलॉजिकल फोटो सेशन है। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो कोई एक नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में किसी को खड़ा करे, क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, पामगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर चला, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस मौके पर मौजूद है।
50 से अधिक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण से मुख्य मार्ग बाधित हो रहा था और इसी के बाद अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, कार्रवाई जारी है। जो भी अवैध निर्माण हो रखा है सड़क पर उसे हटाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, घायल वेदिका की तबीयत बिगड़ गई है। प्रियांश विश्वकर्मा की गोली से वेदिका घायल हुई थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, वेदिका की जान बचाने में डॉक्टर जुटे हुए हैं। वेदिका का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी प्रियांश विश्वकर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल हत्या के प्रयास के अपराध में जेल में बंद है आरोपी प्रियांश। पवन पटेल न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, क्या अपडेट है वेदिका की सेहत से जुड़ा? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 10 दिन से जो है इलाज चल रहा है वेदिका का, और एक निजी अस्पताल में भर्ती है। प्रियांश विश्वकर्मा की गोली से घायल हुई थी, जिसकी जान अब खतरे में नजर आ रही है। डॉक्टरों से जो अभी तक जानकारी अस्पताल से निकल के आई कि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और किसी भी वक्त अनहोनी की खबर सामने आ सकती है। फिलहाल डॉक्टर उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में प्रियांश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। यदि वेदिका को कुछ हो गया, कोई अनहोनी होती है, तो निश्चित ही प्रियांश के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और उसके खिलाफ में फिर हत्या के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आप पवन पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, सतना से खबर है। सतना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई है। कार सवार सभी 9 लोग घायल हो गए हैं, घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। टक्कर से आम का पेड़ टूट कर गिर गया है। शादी में शामिल होकर परिवार लौट रहा था। और बड़ी खबर है नर्मदापुरम से। जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। महिला की मौत हो गई और 5 लोग घायल भी हो गए। खेत जोतने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और अस्पताल ले गई। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।